अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह الذي لم يزل عالما قديرا قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين وسامعين سر شام سے ہم اور آپ उर्से मंजूरे मिल्लत में बैठे हैं। यकीनन हम और आप खुश नसीब हैं कि ऐसी महफिल में आकर बैठे हैं। उलमाए किराम सियाफ हजरात ने अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी नातें आप हजरात ने समाअत किया। मुझसे पेशतर बड़े भाई नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कफील अंबर अशरफी साहब किबला से आप हजरात ने बहुत ही अच्छी निजामत समाअत किया। शायर अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला से आप हजरात ने समाअत किया। उर्से मंजूरे मिल्लत में मोइनुद्दीन कादरी कुछ पैगामात आप हजरात को देकर जाना चाहेगा। मेरी आदत है जैसा मजमा वैसी गुफ्तगू होती है। आज मेरी तकरीर का उनवान है पूरी दुनिया में जब से दुनिया कायम हुई है जितने लोग आए तमाम लोगों को अल्लाह ने अक्ल अता फरमाया लेकिन उन सारे अक्लमंदों में सबसे ज्यादा अक्ल और सबसे बड़ा अक्लमंद अगर अल्लाह ने किसी को बनाया तो वो हम और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। मेरा मौजू है कि सबसे बड़े अकलमंद का नाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा बोले सबसे बड़े अकलमंद कौन है? ऊंचा बोले सबसे बड़े अकलमंद कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बड़े अकलमंद हुजूर हैं और हुजूर इस्लाम लेकर आए तो जो सबसे बड़े अकलमंद का लाया हुआ दीन हो वो दीन कभी झूठा नहीं हो सकता है। वो दीन सच्चा ही होगा। इसलिए पूरी दुनिया में लोग इस्लाम की मुखालिफत करते जाते गए इस्लाम का परचम बुलंद होता जाता है। आज पहले आप टॉपिक सुन लें। मौजू मैंने क्या लिया है? दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद का नाम अहले स्टेज की मैं दुआएं चाहूंगा। बस आप जहन बनाए मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलेगा लेकिन उस रंग में अगर आप सुनेंगे तो मैं भी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख दूंगा। आप बस तवज्जो के साथ सुने अहले स्टेज की दुआएं चाहूंगा। ये उलमाए किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह उर्से हुजूर मंजूरे मिल्लत अलैहि रहमा में आप और हम आए गए। इस इलाके के जितने उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे हुजूर मंजूरे मिल्लत अलैहि रहमा के शागिर्दों में से हैं। हाँ और एक उस्ताद के उर्स में जब बैठते हैं तो यकीनन उनको इस अकीदत के साथ बैठना चाहिए कोई देखे ना देखे उस्ताद मोहतरम हमें जरूर देख रहे हैं। इस नियत से बैठना चाहिए। ये उलमाए किराम हैं सब के सब बेलौस आए हैं किसी लालच में नहीं आए गए। ये अगर आए हैं तो उर्से हुजूर मंजूरे मिल्लत में फैजान लेने की नियत से आए गए फ्यूज व बरकत से माला माल होने के लिए आए गए। दुनिया में मौजू है मेरा दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद कौन है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और हुजूर इस्लाम लेकर आए। इस्लाम सबसे सच्चा मजहब। इस्लाम कहता है लोगों बुराइयां करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ये मेरा मौजू है। क्या मौजू है? बुराई करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती। पूरा मजमा बोले एक मरतबा बुराई मुसीबत में
डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। मौजू याद रहेगा आप लोगों को, बुराई मत करें, बुराई मुसीबत में। उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम। जो मुसीबतें तुम पर आती है वो तेरे हाथों की कमाई है, जो तुम करते हो उसी के नतीजे में मुसीबत में अल्लाह तुझे डालता है। तुझ पे मुसीबत आती है, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में। ऊंचा बोले पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। पूरा मजमा बताएं, बुराई करना छोड़ दें। कल अगर कोई पूछे तुमने जाके जलसे में क्या सीखा, लोग कहते हैं जलसों में कुछ नहीं बताया जाता। आप जब यहाँ से जाओगे तो लोग अगर पूछे आपने क्या सीखा, आप कहिएगा हमने तकरीर में सुना है। बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां कीजिए नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। ये मेरा मौजू है, अगर सुनना चाहते हैं एक शेर मैं पढ़ता हूँ कलामे ताजु शरिया का, अपनी गुफ्तगु का आगाज करता हूँ। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, दाज़े फुरकते तैबा कल्ब मुज़मगिल जाता, दाज़े फुरकते तैबा, दाज़े फुरकते तैबा कल्ब मुज़मगिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा। ओ साहिबो जब तक जिंदा रहो इसी ख्वाहिश के साथ जिंदा रहो। मेरे मौला हमें दुनिया के हसीन रंगीन नजारे न दिखाना, या अल्लाह हमें दुनिया की खूबसूरती न दिखाना। मेरे मौला तूने मुझे आंखें दिया गए, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। ये उलमा मौजूद है, हजरत कफील अंबर साहब पिछले साल भी रमजानुल मुबारक के महीने में उमरा से तशरीफ लाए गए, मदीना शरीफ होकर आए गए। ओ साहिबो उर्से मंसूरे मिल्लत में आने वालों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो याद रखना एक पैगाम लेकर जाओ। अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया गए तो आप तो ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, कुतुब मीनार देखने जाते हो, बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो। ओ माँ बहनों तुम भी दूर से सुन रही हो, सुनो सुनो, अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया गए तो उनकी गुरबत पे सब्र कर लेना, सब्र के दामन को न छोड़ना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए तो खबरदार खबरदार, बनारसी साड़ी की फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना। आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दीजिए घर जाकर, ओ मेरी बेटी तेरे शौहर को अल्लाह ने अगर गरीब बनाया गए तो सब्र करना सब्र करना, अगर मालदार बनाया गए तो कंगन और पाजेब ना मांगना, कीमती साड़ियां ना मांगना, फटे पुराने कपड़े पैबंद लगा कर पहन लेना, हीरे जवाहरात ना मांगना, सोना चांदी कीमती जेवरात ना मांगना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे बनारसी साड़ी नहीं चाहिए, कीमती सलवार सूट नहीं चाहिए, हमें आपसे कंगन और पाजेब नहीं चाहिए, हमें आपसे कीमती लिबास नहीं चाहिए, मैं फटे पुराने लिबास पहन कर सब्र कर लूंगी, जिंदगी गुजार लूंगी। ए मेरे शौकरे नामदार, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए हमें कुछ ना दिखाए, अगर दिखाना चाहते गए मुस्तफा के गुंबदे खजरा की जियारत करवा दे। हमने सुना गए जो मदीना एक बार होकर आता गए, वो रातों को भी गुनगुनाता गए, दिन को भी गुनगुनाता गए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे।
पूरा मजमा भूल जाओगे। किसी को खामोश नहीं रहना है। आप सहन बना, इसके बाद मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आप बोलते नहीं गए। पहले सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, और क्या क्लिप देखा कि एक दो साल का बच्चा, वो बच्चा हिंदुस्तान का नहीं है, वो बच्चा पाकिस्तान का नहीं है, वो बच्चा फिलिस्तीन का रहने वाला है। वो दो साल का दूध पीता बच्चा अपने मुंह में दूध की बोतल लगा कर खड़ा है। सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है, दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगा रहा है हमला करने के लिए, लेकिन बच्चों के अंदर देखे वो दूध पीते बच्चे के अंदर क्या हिम्मत है, क्या जुर्रत है, क्या ताकत है, क्या हौसला है, क्या बेबाकी है। वो दो साल का बच्चा जब देखता है दुश्मन टैंक के जरिए निशाना लगा रहा है, अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाता है और दुश्मन के टैंक की तरफ दूध की बोतल को हथियार बनाकर निशाना लगाने लगता है। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ए बच्चा, तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई? ए बच्चा, तेरे अंदर ये पावर कहां से आया? ए बच्चा, तेरे अंदर ये कुव्वत कहां से आई? ये जुर्रत कहां से आई? बच्चे ने कहा, सुनो सुनो, हमारे अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो हिम्मत है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरी माँ का कमाल है। हमने कहा, वो कैसे? कहा कि सुनो सुनो, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। आप बोलते नहीं है। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे। एक हाथ को हसनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाए। अगर सुनने का जिगर रखते हैं, पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में लहराए और झूम कर मुस्तफा के नाम पर, अपने बाप के नाम पर नहीं बल्कि हजरत अली की शुजात की शुजात को लेकर, हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता को लेकर, इमाम हसन की इमाम मत का वास्ता को लेकर, दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से। और एक नारा दे रहा हूँ, जमाने वालों को बता दें कि सबसे सच्चा मजहब अगर कोई इस है तो वो मजहब इस्लाम है। और वो इस्लाम, 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 कौन इस्लाम? इस्लाम हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक अपने इस्लाम की बात कर ले। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपके हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए। आज अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे? आप बोलेंगे, हमारी नस्लों को बोलना आ जाएगा। आप चुप रहेंगे, हमारी नस्लें खामोश रहेंगी। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर फिजाओं में बता दें, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाल्लाह, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूँ, अगर तैयबा को जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना, अगर तैयबा को जाओगे तो आना।
मंत्र पढ़ दें। अरे तैयार हो गए आप लोग? मंत्र पढ़ दूं? इजाजत है? हाथों को ठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलना, फुआ प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। लगे के हाथ जलसा फला जगह हो रहा है और गिरिडीह का इलाका ऐसा है कि गिरिडीह के उलमा पूरे हिंदुस्तान में जाकर जलसे पढ़ते हैं। अगर यहाँ के लोग न बोले तो फिर हम उनको पूछेंगे आपके यहाँ के लोग नहीं बोलते हैं? आपको भी बोलना चाहिए और इस नीयत से बोले, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। आए हाय सुभान अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, मैं सिर्फ तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर दूं। अगर तौबा को चाहोगे तो आना, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माधि साक्षी चेता केवल गणेशियम चरणम शीशमनम वायुर्दे यमुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम प्रपिता महश्च नमो नमस्ते सुसाहस कृता पुनश्चोपि नमो नमस्ते गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशी चारुतम बलवन स्वानम रमणीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रदीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारुहा देव दत्तम जगत्पति असीना साधु अष्ट अश्वर्य गुणवती गिरिह नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यर चार मगा सुख सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर ना शिराय में प्रम पाई नाशम नाम शिला शम्मा शुभ नर्दन गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यर चार मागा सुख पावे। और कफिल भाई पंडित कहता गए, जय गुरु नामे नमे कर जय पे जय गुरु नामे नमे कर जय पे जय गुरु नामे नमे कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए पे जय गुरु नामे नमे कर जय पे बिना मुहम्मद पार नहीं। और जिनके उर्स में आए हैं अगर उनके नाम से संस्कृत में मंत्र न पढ़े तो बेकार है। जरा मोहब्बत से बोलो, हाथों को लहरा कर बोले हाय हाय। जब हजरते मंजूरे मिल्लत अलैहिर रहमा के रोजे पे उनके शागिर्द जाते हैं, अपने तो अपने दूसरे भी जाते हैं, तो वो कहते हैं कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारी। सुनिएगा सुनिएगा। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी संत के तू अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा मंजूर तुम्हारा। अब मत समझिएगा कि ये लोग मुफ्ती साहब मौलाना साहब बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे।
सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अगर खुलासा सुनना चाहते हैं, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। मेरा मौजू क्या है, दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद कौन है? ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद कौन है? और मेरे पास दलील है, और मैं साबित करके बताऊंगा कि सबसे बड़े अकलमंद अगर कोई है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। और हुजूर इस्लाम लेकर आए, और से सुनिएगा अगर सुनना चाहते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, लोगों इस जिंदा दिली के साथ दुनिया में जियो, अगर जीना ही है, मौत तो आनी ही है, मरना सबको है। आज भी आपके गाँव से एक जनाजा उठा है, किसी मौलाना साहब की माँ का इंतकाल हुआ है, जाना तो सबको है, लेकिन आज कितने लोगों की जबान से उनके लिए दुआएं मगफिरत निकली होगी। जितने उलमा आए गए उनकी माँ के लिए दुआएं किए होंगे। याद रखना लोगों, दुनिया से तो सबको जाना है, लेकिन जिंदगी अगर गुजारो, दुनियादान बनकर जिंदगी मत गुजारो। अगर जिंदगी गुजारना ही है तो मुस्तफा के वफादार बनकर जिंदगी गुजारो, ताकि जब जनाजा निकलने लगे, किसी ने कहा है मौत उसकी है कि जमाना करे अफसोस, मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए गए मरने के लिए, मरना तो सबको है, लेकिन मौत किसकी है जिस पर जमाने वाले अफसोस करते हैं? किसी शराबी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी जुआड़ी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते, किसी गैड़ी की मौत पे जमाने के लोग अफसोस नहीं करते। जमाने के लोग उनकी मौत पे अफसोस करते हैं कि जो जीते मदीने वाले मुस्तफा के लिए, मरते गए तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए। इसलिए साहिबो, अगर जिंदा रहना है तो मुस्तफा का आशिक बनकर जिंदा रहो। जो मुस्तफा के इश्क की बात करेगा, अगर वो बंद कमरे में भी रहेगा, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उनकी शोहरत का डंका बजेगा। और हाँ, जिंदा रहो आशिक रसूल बनकर, दुनिया से जाओ तो इश्क मुस्तफा में चले जाओ। यहाँ तो जाओगे अपने तो अपने, खैर भी खिड़की से पर्दा को हटा कर कहेंगे ये कोई गद्दार नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इस नियत से जिए, अपने उलमा के करीब होइए, आशिक मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आय हाय हाय, जो मुस्तफा से इश्क करता है ना, मैंने क्या कहा, बंद कमरे में भी अगर वो रहे, उनके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। लेकिन शर्त है मुस्तफा से इश्क की बात करे, और बगैर किसी लालच के, आशिक मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा करो कयामत, उनके सदके में जन्नत मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़े अकलमंद कौन है? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोले, और याद करके जाएं, याद करके यहाँ से उठें। आपकी जबान पर गाना नहीं, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। से जाएं, गाना गुनगुनाते नहीं, अजमत भाई जो नात पढ़ रहे थे, उस नात के मिसरे को गुनगुनाते हुए जाना। अगर ये गाने आपने न गुनगुनाया, दुनियावी मुस्तफा की मोहब्बत के तराने जिंदगी भर आपने गुनगुनाए, अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, दुनिया से जाओगे इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सबसे बड़े अकलमंद का नाम, यहां से लेकर वहां तक सबसे बड़े अकलमंद का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप कहोगे वो कैसे, तो आप देखें, इधर देखें, यही दुनिया है। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले इस दुनिया पे और भी लोग थे जो बड़े बड़े अकलमंद होने का दावा कर रहे थे। तवज्जो से सुनिए, अकलमंद सबसे बड़े कौन है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आप कहोगे कैसे, हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले यही दुनिया गए बड़े बड़े अकलमंद है, अपने आप को अकलमंद कहते गए, बड़े बड़े एजुकेटेड वाले लोग हैं, बड़े बड़े साइंसदान मौजूद हैं, जो अपने आप को बड़ा माइंडेड कहते गए। इसी जमीन पे हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले लोगों ने देखा, सुनिएगा, लोगों ने तलाश करना शुरू किया,
तलाश किया, हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। लोगों ने कहा इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लोगों ने कहा कि हम उसी की इबादत करेंगे, हम उसी को अपना खुदा मानेंगे। हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत और खूबी का मालिक कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हम उसकी इबादत करेंगे। लोग अपना खुदा तलाश कर रहे हैं, लोग अपना माबूद तलाश कर रहे हैं। लोगों ने देखा जमीन को, ये जमीन पिस्ता भी देती है, ये जमीन बादाम भी देती है, ये जमीन अखरोट भी देती है, गौर से सुनिए, ये जमीन धान भी देती है, ये जमीन गेहूं भी देती है, ये जमीन बाजरा भी देती है। जिसको इंसान खाता है, बिल्ड करता है, बड़ा होता है, बढ़ता है, और आदमी जब मर जाता है तो इस जमीन के अंदर दफन आदमी को कर दिया जाए, ये जमीन उसके गोश्त को खा लेती है, जमीन हड्डी को खा लेती है, जमीन इंसान के नामो निशान को मिटा देती है, जिस्म को खा लेती है। लोगों ने देखा जमीन को, कहा जमीन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ जमीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा। जब इतना कहा ना, परसों जमीन की लोग पूजा करते रहे, परसों जमीन को लोग अपना खुदा मानते रहे। इतने में एक शख्स ने देखा, एक 50 ग्राम के ये वो पत्थर को लिया और 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले को लिया। 50 ग्राम के पत्थर को मिट्टी के ढेले से टकराया तो 50 ग्राम के पत्थर से मिट्टी का ढेला टकरा कर चकनाचूर हो गया, हवा में धूल बनकर उड़ गया। तो लोगों ने कहा, ओ मिट्टी तू 50 ग्राम के पत्थर से टकरा कर चकनाचूर हो गई, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। पत्थर को लोग अपना खुदा मानने लगे, बड़े बड़े पहाड़ों को लोग अपना खुदा मानने लगे, गिरनार पहाड़ को लोग अपना खुदा मानने लगे, और माउंटेन पहाड़ को लोग अपना खुदा मानने लगे। इतने ही में लोगों की नजर पड़ी, आप अपने झारखंड के बहुत सारे इलाके में जाएंगे, बहुत सारे इलाकों में लोहे की मशीन रहती है, वो लोहे की मशीन उस पत्थर पे एक मर्तबा मारती है जोर से, तो उस लोहे की मशीन पत्थर पे जब जोर से टक्कर मारती है तो पत्थर चकनाचूर हो जाता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लोगों ने जब देखा कि लोहा पावरफुल है, लोगों ने कहा, ओ पत्थर ऐ पहाड़ तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। क्योंकि सुनो, मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है, सुनिएगा। लोगों ने कहा, ओ पत्थर तू तो एक मशीन से टकरा कर चूर हो गया, सुनो तुझसे ज्यादा पावरफुल तो मशीन है, तुझसे ज्यादा पावरफुल लोहा है। अब लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट किया, लोहे को सिलेक्ट किया, कि लोगों ने कहा, ओ लोहा तू मेरा खुदा है। परसों लोहे की पूजा लोग करते रहे, आखिर में लोगों ने देखा और ज्यादा, यानी कि लोगों के दिमाग लोगों ने लगाया, लोगों ने अक्ल लगाया, आखिर में लोगों ने देखा मियाद फिर मियाद टेम्परेचर पर आग पर जब लोहे को रखा, एक हाथ का लोहा चंद घंटों में तपने के बाद डेढ़ हाथ का उसे कर दिया गया। लोगों ने कहा, ओ लोहा तू तो आग की वजह से पिघल गया, सुनो तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, बल्कि आग मेरा खुदा है। परसों लोग आग की पूजा करते रहे, परसों पूजा करते रहे। लोगों ने फिर देखा चंद बारिश के कतरात उसी आग पे पड़े, कि बारिश के कतरात पड़ते ही आग ठंडी हो गई। लोगों ने कहा, ओ आग तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। पानी यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ पानी तू मेरा खुदा है। लोग नदी की पूजा करना शुरू कर दिए, गंगा की पूजा शुरू कर दिए, छठ पूजा वहीं से वजूद में आ गई। लोग छठ पूजा शुरू करना शुरू कर दिए, पानी की पूजा, नदी की पूजा, गंगा की पूजा, नाले की पूजा, तालाब की पूजा। लोग जब पानी की पूजा करने लगे, अब साइंस और ज्यादा तरक्की की। लोगों ने कहा ये बारिश कैसे होती है, कहा कि सूरज अपनी श्वाओं को पानी के सतह पर बिछाता है और वो भाप बनाकर उसे उड़ाता है और वो बादल की शक्ल लेता है और बादल के जरिए बारिश नाजिल होती है। लोगों ने सूरज को अपना खुदा मान लिया। और ओ साहिबो, सूरज को खुदा मानने में पढ़े लिखे लोगों से लेकर जाहिल तक, जाहिलों से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक, सब सूरज को खुदा मानने लगे। और सूरज की पूजा परसों होती रही, लेकिन उसी आलम में जब लोग सूरज की पूजा कर रहे थे, सन 571 ईस्वी में
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत आमना के पत्ने अदहर से तमाम साइंसदों का दानों का बाप बनकर और तमाम अकलमंदों का बाप बनकर, तमाम अकलमंदों में सबसे बड़ा अकलमंद बनकर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका के दाने कीती पर मक्का की सरजमीन पर 571 हिजरी में तशरीफ लाए मकामे सहबा में। जब हजरत अली की नमाज कजा हो गई, लोग तो सूरज की पूजा करते थे, मदीने वाले मुस्तफा के सहाबी हजरत अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज कजा हो गई। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ए अली नमाज कजा पढ़नी है या अदा? या रसूल अल्लाह नौकर आपका हूँ, या रसूल अल्लाह गुलाम आपका हूँ, फिर मैं नमाज कजा पढ़ूंगा, मुझे नमाज अदा पढ़नी है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, अली उधर देखो, मदीने वाले मुस्तफा ने